नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। खबर अमानगंज से, जहां पर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने एक खेत में गांजे की खेती पर छापामार कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक अमानगंज थाना पुलिस ने शंकरपुरा इलाके में सोनेलाल कुशवाहा के खेत से 9 किलो गांजा बरामद किया है। इस गांजे की बाजार कीमत 28,000 रुपए बताई जा रही है। पन्ना पुलिस अधीक्षक महोदय मयंक अवस्थी जी, अधिकृत बीकेएस परिहार एवं गुनौर एसडीपी महोदय द्वारा अवैध गांजे के उत्पादन के विरुद्ध एक अभियान चलाया जा रहा है। इसमें पुनः ग्राम शंकरपुरा में सूचना प्राप्त हुई थी, जहां से गांजा बरामद किया। कितना गांजा बरामद किया है, किसके यहां? कुल 9 किलो 800 ग्राम गांजा बरामद किया है। इसकी कीमत 28,000 रुपये है और पेड़ों की जो लंबाई है वो 12 फुट 9 फुट 7 फुट की लगभग। क्या कार्रवाई करेंगे? इसमें थाना मानगंज में अपराध क्रमांक 323 के तहत एक मुकदमा कायम किया गया है। 8/20 NDPS एक्ट के तहत इसमें आरोपी सोनेलाल पिता वैशाली कुशवाहा है, उसके विरुद्ध मामला दर्ज कर कल दिनांक उसे माननीय न्यायालय में पेश किया। तो हनी ट्रैप मामले में इतना ही, हम फिर हाजिर होते हैं। इस मामले पर पूरी नजर हमारी बनी हुई है, आप देखते रहिए पेप्टिक टाइम। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर फेसबुक पर इस खबर को देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें ताकि खबरें आपको मिलती रहें। नमस्कार।